हम तक पहुंच रही हैं, उससे ऐसा लगता है कि जालिमों मोदी आ रहा है। तीसरी बार एक बार फिर लौटकर मोदी सरकार आ रही है। महा एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए में 355 से 370 सीटों के मिलने का अनुमान यहां है। एक चीज तो बड़ी क्लियर होगी कि एनडीए की विक्ट्री नजर आ रही है। एग्जिट पोल्स ऑलमोस्ट उनका रिजल्ट जो बताया जाता है वो ठीक होता है, कहा जाता है कि 90% वो ठीक ही होते हैं। पाकिस्तान को एक काम चाहिए कि अगले 20-25 साल तक ना अपने मुल्क के चारों तरफ ना कोई 100-100 फुट ऊंची दीवार खड़ी कर ले। अच्छा, तो अर्नब गोस्वामी का ये कहना है कि कांग्रेस का ये सीक्रेट प्लान है कि रिजल्ट ना माने जाएं और उससे भाग जाया जाए। ऐसे लग रहा है कि जो जनरल पब्लिक है भारत की जो पब्लिक है वो कहती है कि हमने नरेंद्र मोदी के साथ रहना है। हिंदुस्तान में था कुछ माह पहले और वहाँ ये बात हो रही थी कि नरेंद्र मोदी साहब वापस आएंगे लेकिन कम सीटों के साथ आएंगे। इतना मोदी जी लास्ट टाइम लेकर आए थे, आंकड़े ये बताते हैं कि उससे ज्यादा आने वाले हैं। नंबर्स कोई बोलता है 350, कोई 325, कोई 310, इससे नीचे किसी ने भी बात नहीं करी है। आज अगर नरेंद्र मोदी बीजेपी छोड़ भी दे ना, बीजेपी भी छोड़ दें और एक नई पार्टी भी बना दें, बीजेपी छोड़ के एक नई पार्टी भी बना लें तो लोग उधर चले जाएंगे, वो बीजेपी को रेलेवेंट करेंगे। उन्होंने अपना कद काठ इतना ऊंचा कर लिया। 29 ओपोजिशन पार्टीज ने कहा है कि हमें हुकूमत नहीं चाहिए, हमें पीएम मोदी चाहिए। क्या बात है, क्या तारीख साज शख्सियत हो सकती है सदी की, मोदी। सुनने में तो यार असदुद्दीन अवैसी भी हार रहे हैं, सो इन केस असदुद्दीन अवैसी हार जाते हैं तो आप ये समझें कि ये तो कंप्लीट यार चीज जो नरेंद्र मोदी है एनडीए जो है वो स्वीप करके ले जाएगा। इसकी वजह ही है कि कांग्रेस ने एग्जिट पोल को बायकॉट कर दिया है। उन्होंने एक हिंदू रियासत बना देनी है तो वो किस तरह फिर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात सही करेगी। मोदी आसमान है और शहबाज शरीफ जमीन। नमस्कार दोस्तों, सोशल नेशन में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव के नतीजे से पहले एग्जिट पोल में पीएम मोदी तीसरी बार हैट्रिक लगाते नजर आ रहे हैं। एक पोल में तो एनडीए 400 के पार तक पहुंच रही है। 13 एग्जिट पोल के पोल्स में एनडीए को 365 और इंडिया अलायंस को 145 सीटों का अनुमान है। अन्य को 32 सीटें मिल सकती हैं। इस बार भाजपा 2019 में मिली 303 सीटों का आंकड़ा पार कर सकती है। हिंदी पट्टी के राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली में भाजपा को एक तरफा बढ़त का अनुमान बताया गया है। इन राज्यों के 90% से ज्यादा सीटें पर भाजपा की जीत तय मानी जा रही है। एमपी की 29 सीटों में से भाजपा को 28 से 29 और वह राजस्थान में 25 सीटों में से 23 से 25 सीटें मिलने का अनुमान है। पीएम मोदी जो हैं, उन्होंने जो अपनी अपना जो ट्विटर हैंडल है उसके ऊपर एक ट्वीट की है, जिस ट्वीट से मुराद ये लिया जा रहा है कि वो बेसिकली समझ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम जो है वो इलेक्शन जीत गए हैं। एनडीए की 361 से 401, इंडिया अलायंस की 131 से 166, जो भी है ये जो 361 से 401 है ना, इंडिया अलायंस को एनडीए को किसी की जरूरत ही नहीं है। एनडीए डजंट नीड एनीवन, वो जिसे वो कहेंगे ना उनको कुछ जरूरत नहीं है किसी की, वो अकेले ही सिंगल हैंडेडली कॉन्स्टिट्यूशन भी बदलना चाहे तो बदल सकते हैं, वो जो मर्जी करना चाहें एनडीए कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी की लीडरशिप को अप्रूव करते हैं, इसका मतलब है वो सारे पोल्स ठीक थे। तो जो हम डिस्कस करते थे यहाँ पे कि नेशनल लेवल पे कि जो कि जी इवन मैक्सिको, अर्जेंटीना, स्विट्जरलैंड जो है उधर भी लीडरशिप इतनी पॉपुलर नहीं है जितनी नरेंद्र मोदी पॉपुलर है। सो मोदी वॉज एडमायर्ड, इज अ करिस्मेटिक लीडर। हिंदू राष्ट्र की लोग बात कर रहे हैं, बिल्कुल बननी चाहिए हिंदू राष्ट्र। इफ द पीपल ऑफ इंडिया वॉन्ट हिंदू राष्ट्र एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी एज वन एज ए जिसे कहते हैं एज ए लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली तो क्यों ना बने हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र बननी चाहिए, ये अगर इंडिया के लोगों की ये डिमांड है। और अबव ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि डेमोक्रेसी किस चीज़ के लिए है। अगर डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट द विल ऑफ द पीपल तो देन लेट पीपल हैव हिंदू राष्ट्र। लोगों को हिंदू राष्ट्र होनी चाहिए, लें हिंदू राष्ट्र में को करें, मतलब ये जो चीज़ें हैं और जो बातें की जा रही थी, क्योंकि पहले एक दफ़ा ये आया था बात, पहले ये बात आई थी कि उन्होंने कहा जी ऊपर लेवल पे उन्होंने पब्लिक ओपिनियन इस तरह बनाई हुई है कि ऐसे लग रहा है इस पब्लिक ओपिनियन से कि दे आर कट ऑफ फ्रॉम द ग्राउंड रियलिटी। लेकिन अगर आप देखें तो जितने भी लोग थे, जैसे ध्रुव रिठाई थे और बहुत सारे लोग जो बात कर रहे थे नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल रहे थे, और कोई भी नहीं बोल रहा था, मैं समझता हूँ कि इंडिया के अंदर लोगों को ये समझ आ गई है कि इस बंदे ने हमें एक ऐसा रास्ता दिखाया है और ऐसा रास्ता दिखाया है कि अब हर बंदा समझता है कि नरेंद्र मोदी से ही पूछना है कि मुस्तकबिल क्या है हमने कर। आज के दौर में बात ये नहीं हो रही कि नरेंद्र मोदी जीत गए हैं, बात ये हो रही है कि नरेंद्र मोदी जीत के करेंगे क्या, इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन हो रही है। मतलब ये कि जिस पैमाने पर वो तब्दीलियाँ उछाड़ पिछाड़ करेंगे भारत के अंदर,
जिस तरह भारत को का नया इंडिया का जो आइडिया ऑफ इंडिया है वो रीडिफाइन करने जा रहे हैं, वो लोग उस पर थोड़े से वो जिसे कहते हैं ना शशधर हैं। एक चीज तो है, मानना पड़ेगा कि इंडियन डेमोक्रेसी जो है वो उसने एक दफा फिर साबित किया है कि वो इस पूरे खित्ते के अंदर इंडिया इज द ओनली कंट्री वन विच इज फुली डेमोक्रेटिक इन अ सेंस कि वहाँ पे प्रॉपर इलेक्शंस होते हैं। सेकंड चीज, उनके इलेक्शन कमीशन के ऊपर या उनके कम अज कम इलेक्शनिंग प्रोसेस के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाता। तीसरी अहम चीज यह है कि अगर एक पार्टी जीती है तो दूसरी पार्टी टां टां टू टू नहीं करती, जिस तरह हमारे यहाँ पे होता है कि एक पार्टी जीती है तो दूसरी पार्टी, और हमें पहले ही पता होता है कि हमारे इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। सो इंडियन डेमोक्रेसी और इंडियन इलेक्शन में ये चीजें जो है इंडिया को चाहती हैं, उनको ये है। और हमारे पास ये है कि थोड़ा सा जमहूरियत हचकोले खाती रहती है, जमहूरियत ऊपर नीचे रहती है, तो हम तो फ्रेंकली स्पीकिंग ये किसी को कह भी नहीं सकते कि आप खींचो, मतलब इस पर बात भी नहीं कर सकते। मुझे ऐसे लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है इंडिया के अंदर। ये कम आप जिसे वो कहते हैं ना, एक बात तो माननी पड़ेगी भाई आपको, नेक्स्ट लेवल पे जाके अ पर्सन हु इज़ नॉट दैट, मतलब उसकी वो एजुकेशन नहीं थी जिस तरह वो कहते हैं जी कि हम हार्वर्ड के पढ़े हैं उधर फलाने हैं, वो अपनी इंडिया में पढ़ा है बंदा, वो स्क्रैच से उसने जिसे वो कहते हैं ना शुरू किया है, एंड ही रीच टू दिस पॉइंट, उसने पकड़ के जो है ना सारी की सारी इक्वेशन ही बदल के रख दी। नंबर्स कोई बोलता है 350, कोई 325, कोई 310, इससे नीचे किसी ने भी बात नहीं करी है। प्लस माइनस 310 में हो सकते हैं, 5-6 नीचे हो जाए ऊपर हो जाए, पर जितनी सीटें लास्ट टाइम बीजेपी लेकर आई थी 303, उससे ज्यादा वोटें आने वाली हैं। जैसे ये बोल रहे हैं कि 272 भी टफ है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, राहुल गांधी नहीं आ रहे, ये पक्का है मुझे। जितना मर्जी कोई बोल दे, जितने बोरे वाले लाइने लगाकर बैंकों के खाते खोलने शुरू कर दिए कि ये अब तो 8500 रुपए महीने के मिलने वाले हैं, नहीं मिलने वाले, वो इस खाब में जीते हैं, जीते रहेंगे। उनको जो फ्री राशन मिल रहा था 80 करोड़ लोगों को, जिसमें से 75 करोड़ तो जिहादी ही ले जाते हैं, क्योंकि जो जिहादी हैं उनके सबके 3-3 आधार कार्ड बने हुए हैं। वो जो 30 करोड़ हैं उसमें से 25 करोड़ के तो 3-3 आधार कार्ड है, तो 75 करोड़ तो वही हो गए, मुझको भी सबसे ज्यादा गरीब तो वही है पूरी दुनिया में। तो इसलिए यही काम होने वाला है, ये जो फ्री का राशन, फ्री की दवाइयाँ, फ्री के इलाज, वही काम होंगे और कुछ नहीं होगा। ये 8500 रुपये महीने वाला काम नहीं होने वाला, जितना मर्जी को भंडे डाल ले। दूसरी बात, अब इतना काम, पहली बात तो ये है कि जैसे रोहित भाई ने कहा, हम उसी के ऊपर बात करते हैं, ये कहते हैं 272 भी टफ है, अगर इतना ज्यादा काम करने के बाद मोदी जी का, उसके बाद भी 272, मैं इनकी आर्गुमेंट को ही आगे लेता हूं, उसके बाद भी 272 अगर टफ है तो लानत है मोदी जी के इतना काम करने की। इतना काम करने के बाद भी अगर, और इतनी कैंपेनिंग करने के बाद भी, और इतने निकम्मी ऑपोजिशन के बाद भी, अगर वो 272 भी पहुंच नहीं सकते, तो मुझे लगता है मोदी जी को वैसी संन्यास लेना चाहिए कि भाड़ में जाओ सारे, मुझे काम करने की जरूरत नहीं है। आप ही सवाल है,